Everyone, welcome back to my channel. आज ना ना एक करते OMG2 का and trust me, अगर आपको ना महादेव का दर्शन करना है तो अभी अभी क्योंकि ऐसे ऐसे बताने जा रही जो आपको बुक करने का मन कर जाएगा। चलो शुरू करते हैं। पंकज त्रिपाठी का जो बेटा है एक सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए एक वीडियो वायरल हो जाता है जिसके कारण उसको स्कूल से निकाल देते वो डिप्रेस होके वो ये सोच लेता है कि वो सुसाइड ही कर लेते बट उसको नहीं पता था उसका साथ उसका हाथ महादेव के साथ है अक्षय कुमार के साथ है एंड वो बच जाता है एंड उसी समय पंकज त्रिपाठी ये सोच लेते हैं कि वो केस करेंगे स्कूल के सिस्टम के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जो सेक्शुअल एक्टिविटी बोलते हुए ऐसे लोगों को गलत एडवाइस देने वाले एंड इवन पंकज त्रिपाठी खुद को अपने ऊपर खेस करता है एंड ये बोलता है कि लोगों को सेक्स एजुकेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी केस है केस करने का के सोचा तो था बट ये नहीं सोचा था कि अपोनेंट में इतना तकड़ा एक इंसान खड़ा रहेगा उनका नाम है यामी गौतम क्या मस्त डिफेंस करा है पूरे मूवी में इतना सिंपली उस चीज को दिखाना एंड इतना सिंपल वे में इसलिए रखा मूवी को क्योंकि लोगों को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेक्स एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल के लोगों को सीखना एंड इवन स्पेशली बच्चों को क्योंकि यार देखो हम जब बच्चे थे हम अभी भी अपने पेरेंट्स सेक्स जो भी पाते हैं बोलना बहुत हिचकिचाते हैं बट बच्चों को सिखाना जरूरी है कि अच्छी चीज क्या है बुरी चीज क्या है बैड टच गुड टच ये सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड सीरियसली बोल रही हूँ मूवी में ये बात सच में सही ही आप ये सोच रहे हो ये तो ठीक है पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम का बट अक्षय कुमार का रोल क्या है अक्षय कुमार का रोल है कि पंकज त्रिपाठी को गाइड करना एंड सीरियसली बोल रही हूँ अक्षय कुमार का कैमियो इतना ज्यादा था। आपको लगेगा कि, जब जब कि प्रणाम करने का मन कर रहा है। सच बता रही। ऐसे मुझे अभी अक्षय कुमार का चेहरा दिखाई देता जब भी मैं शिव भगवान को याद करती हूँ इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था बट पता प्रॉब्लम क्या है सेंसर बोर्ड की एक डिसीजन की वजह से अक्षय कुमार को ऐसे गॉड देखने में थोड़ा सा मुश्किल होगा जब मूवी देखो बट Eventually, आप अगर देखोगे ना तो मन ही मन में ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये भगवान ही है इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था जब जब अक्षय कुमार जा रहे हैं पीछे पीछे नंदी जा रहे हैं वो सब कुछ सीन्स इतना इम्पैक्टफुल होता अगर मूवी में चेंजेस नहीं करते सेंसर बोर्ड वालों ने ये बात बहुत ही बुरी करी इस बार माइट भी ये सोचा होगा कि अगर अक्षय कुमार ऐसे गॉड रखते लोग सच में पूजा करने लग जाते अक्षय कुमार का माइट भी ये होगा रीजन अगर मैं मूवी को रेट करू ना तो फोर पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव दूंगी पहला क्योंकि मूवी में इतना ज़्यादा इतना बड़ा टॉपिक को इतना सिंपल वे में दिखाया इसके वजह से एक पॉइंट तो पक्का पक्का दूसरा इतना अच्छा एक्टिंग सारे एक्टर्स ने करा कोई भी फालतू का एक्टिंग नहीं दिखेगा आपको मूवी में तीसरा इतना ज्यादा वंडरफुल सॉन्ग्स है चौथा भगवान का दर्शन कराने के लिए सीरियसली बोल रहे आप थैंकफुल हो गए पॉइंट फाइव नंदी और शिव का एक रिलेशन दिखाने के लिए जीरो पॉइंट फाइव इसलिए कट करा क्योंकि सेंसर बोर्ड वालों ने ऐसा चेंजेस करा अदरवाइज मूवी फाइव आउट ऑफ फाइव था मेरे लिए